हेलो एवरीवन, सोशियोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है आरपीएससी प्रवक्ता सोशियोलॉजी 2014 का ये सेकंड पेपर आपका, जैसा कि आप थंबनेल में सारी डिटेल देख रहे होंगे, ठीक है। और ये लेक्चर आपका 6 है, 5 लेक्चर इस विषय के ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। और 2014 का जो प्रथम प्रश्न पत्र था वो भी डिस्कस हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। और इस लेक्चर में आपके 25 एमसीक्यू रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों का जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी को शेयर करें। और जितने लोग ज्वाइन क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो सभी लोग सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेट मिले, अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लाइक करें सेशन को और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे इस प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप यूपीपीजीटी की तैयारी करते हैं तो शाम को 7 बजे, ठीक है, डेली आपकी यूपीपीजीटी की प्रैक्टिस सेट आपको डिस्कस कराया जा रहा है वहाँ पे। और उस पर 2000 से लेकर के 2016 तक के सारे पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, हमारा नहीं किसी का भी आप लेक्चर देखें तो उसको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो उसका प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, क्या क्या कंटेंट आप उसमें पढ़ा है, तो वो बहुत बेनिफिट रहता है आपके लिए। यहाँ हम 126 से लेकर के और 150 तक चलेंगे, ठीक है, आपके 25 एमसीक्यू हो जाएंगे। तो यहाँ 126 आपका पहला प्रश्न है सेक्स लेक्चर का, ठीक है। पूछ रहा है होराल्ड गारफिंकेल कुछ विद्वानों से प्रभावित था, फिर भी निम्न में से एक को उनकी रुचि से अलग किया जा सकता है, वो कौन है? ए है अल्फ्रेड सूस, बी है एडमन हर्सेल, और आपका सी है आर के मार्टन, डी है टॉलकॉट पार्सन। कौन सा अलग किया जा सकता है, कौन सी सूचि से, कौन सा है विद्वान है वो? प्रश्न नंबर 126 आपके सामने प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दें। सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सबसे पहले आप लोग ग्रुप में ज़रूर भेजें। लेक्चर आप स्टार्ट करने से पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, जितने आपके भाई बंधु हैं तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी की, उन सभी को इस लेक्चर के बारे में बताएं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। तो आई होप सभी लोग ज्वाइन कर लिया हो क्लास को और आंसर भी सभी लोगों ने दे दिया, सभी का आंसर राइट होगा। क्योंकि आंसर गलत हो या सही हो इससे आपको वो नहीं है, गलत आंसर देना भी कोई बुरा नहीं है, सही है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस देखी जाती है, आप कहाँ तक कितने पानी में हैं वो ज़रूरी है। तो अपने आप को सुधार करें, अगर आपका आंसर गलत होता है तो कोई घबराए नहीं, नेक्स्ट आंसर आपका सही होगा, क्योंकि परफेक्ट तो कोई व्यक्ति नहीं होता, ये सभी लोग जान लें। तो इसका आंसर की बात करें, क्या इसका आंसर, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, आर के मार्टन सी इज़ द राइट आंसर, और इनसे प्रभावित ये नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 127 पूछ रहा है, एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म पुस्तक किसकी है? ए है अम्बेडकर की, बी है डीपी मुखर्जी की, सी है लुईस ड्यूमा, और डी आपका एन के बॉस। किसकी पुस्तक है? एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म पुस्तक लेखक कौन है? 127 प्रश्न आपके सामने, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, इंडियन थिंकर हैं लुईस ड्यूमा, और इनकी पुस्तक ये 1886 में प्रकाशित हुई थी, लुईस ड्यूमा की पुस्तक, ये प्री पुस्तक है इनकी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 128 पूछा है, हेराल्ड गारफिंकेल के अनुसार एथनोमैटर्स को समझने के लिए दो प्रमुख अवधारणाएं वे कौन हैं? ए है उत्तेजना एवं प्रतिउत्तर, बी है चेतना और वास्तविकता, सी है सार एवं अंतर्व्यक्तिक निष्ठता, और सी डी आपका चिंतनशीलता एवं विवरण। प्रश्न नंबर 128 आपके सामने प्रश्न है, हेराल्ड गारफिंकेल के अनुसार एथनोमेथड्स को समझने के लिए दो मुख्य धारणाएं हैं, वे कौन कौन सी हैं? 128 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, चिंतनशीलता एवं विवरण, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 129 पूछ रहा है, कौन सी अवधारणा इन तथ्यों को बताती है कि वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न हो सकता है? ए है अनुक्रमणिकता, बी है प्राकृतिक भाषा, और सी है वार्तालाप विश्लेषण, और डी आपका डी है भाषा विज्ञान। प्रश्न नंबर 129 आपके सामने प्रश्न है, क्या हो जाएगा राइट आंसर 129 का? सभी लोग आंसर दें इसका, बिल्कुल राइट आंसर है सभी लोगों का, ए राइट आंसर है अनुक्रमणिकता, ए राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 130 है प्रश्न, पूछ रहा है किसने आधुनिकता की उन्नति अवस्था को का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिखा था? ये है डेविड फ्रिप्सी, और आपका बी है ग्रेंग्स, बी ओ सी है फूको, डी ए डेरिडा, जैक्स डेरिडा। प्रश्न नंबर 30 प्रश्न है, कितने आधुनिकता की उन्नति अवस्था का वर्णन करने के लिए
जगरनॉट का नाम लिखा था। क्या राइट आंसर है 130 का? बिल्कुल राइट आंसर है, गिडिंग साहब ने लिखा था। और ये देखिए, गिडिंग्स ने आवश्यकता को उन्नति अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिखा था और बताया कि यह अवस्था शक्ति का एक बेलनाकार इंजन है जिसमें हम मानव प्राणी सामूहिक रूप से कुछ सीमा तक चला सकते हैं, किंतु इसके कभी भी नियंत्रण के लिए बाहर होने का भय निरंतर बना रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 131 पूछ रहा, कौन से सिद्धांत में अंतःक्रिया की प्रकृति सामाजिक क्रिया के गतिशील प्रतिमानों एवं सामाजिक संबंधों के केंद्रित किया जाता है? ये है सामाजिक क्रिया सिद्धांत, बी में आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, और सी है प्रकटन शास्त्र, और डी है एथनोमेथोडोलॉजी। प्रश्न नंबर 31 131 आपके सामने है, 131 का राइट आंसर क्या है? तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सभी का आंसर राइट है। और ये हर्बर्ट ब्लूमर की पुस्तक है। ब्लूमर ने 1969 में अपनी पुस्तक प्रकाशन था सिंबोलिज्म इंटरैक्शनिज्म प्रोस्पेक्टिव एंड मेथड में इसका प्रयोग किया था, अल्फ्रेड ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 132 पूछा, जी एच मीर ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा था? ए सोशल सोशियोलॉजी, और बी है ह्यूमन सोशियोलॉजी का, और सी आपका द फिलोसफी ऑफ प्रेजेंट, और डी है द फिलोसफी ऑफ माइंड। जी एच मीणा ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा था? प्रश्न नंबर 132 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल इन्होंने कहा था सोशल साइकोलॉजी, ये राइट आंसर है। और इनकी प्रिय पुस्तक भी है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। ये किस डेट में प्रकाशित हुई थी, इसका नाम आपको इसका पुस्तक कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है समग्र समाज भाग व्यक्ति पहले से पहले पहत है, न कि भागों अथवा भागों के अर्थ में समग्र किसका है? क्या है 133 का? समग्र यानी कि समाज, भाग यानी कि व्यक्ति से पहले है, न कि भागों अथवा भागों के वर्ग समग्र किसका कथन है? ये है सी एच कूले का, और बी आपका जेम्स मॉर्गन मॉलबिन का, और सी है जी एच मीर का, और डी आपका इरविन गॉफमैन का। 133 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा सी जी एच मीर साहब का ये कथन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 134 आपके सामने पूछा, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? ए है गुडे एवं हार्ट, बी है पी बी यंग, सी है लुंडबर्ग, और डी आपका सी आर कोठारी। ये देखिए कौन सा आंसर राइट है। प्रश्न नंबर 134 साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है आपके? बिल्कुल राइट आंसर है बी पी बी यंग इज़ द राइट आंसर, बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मीर के अनुसार प्रतीक एक महत्वपूर्ण हाव भाव है जो कि एक अर्थ बताता है, जिसका उत्तर कौन दे सकता है? ए पशु, बी पक्षी, सी मनुष्य, और डी ए समस्त जीव। मीर के अनुसार प्रतीक एक महत्वपूर्ण भाव है, इसको सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी आपका मनुष्य ही दे सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के भीतर स्व होता है। कई बार हम स्वयं का अर्थ आत्मा से लगाते हैं, जब कोई प्रश्न स्वयं से पूछता है तो उसका मस्तिष्क व आत्मा ही देती है आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 136 पूछ रहा है, महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक सीमित रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट भाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो चाहे चट्टान कुर्सी अथवा विचार हो, प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के संदर्भ में किसने कहा था? प्रश्न नंबर 136 आपके सामने है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? चलिए फिर से देखते हैं, महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहा है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा उस व्यक्ति में आपसी सहमति हो चाहे चट्टान कुर्सी अथवा विचार हो, प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के संदर्भ में किसने कहा था? ए है जी एच मीर, बी है मनफ्रोड कुहन, और सी आपका सी एच कूले, डी है हार्वर्ड ब्लूमर। प्रश्न नंबर 136 आपके सामने प्रश्न है, और इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है इसका हार्वर्ड ब्लूमर, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 137 पूछ रहा, कौन सा जोड़ा सही है? ए इरविन गॉफमैन का फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के साथ संबंध था, और बी आपका हर्बर्ट ब्लूमर का शिकागो संप्रदाय के साथ संपर्क था, और सी आपका कुहन का हिगेलियर
संप्रदाय के साथ संबंध था और डी आपका जी एच मीड का आई डू आई ओबा संप्रदाय के संबंध साथ संबंध था। प्रश्न नंबर 133, किसका संबंध किससे था, जोड़ा आपको सही जोड़ा बताना है। बका तीन जोड़ा आपके गलत हैं, सिर्फ एक जोड़ा ही सही है, वो आपको बताना है। सही जोड़े की पहचान करें और इसका राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा बी, हर्बर्ट ब्लूमर का शिकागो संप्रदाय के साथ संबंध था। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 138 पूछा है, इनमें से कौन सा एक प्रकरणा शास्त्री नहीं है। ए आपका ब्लूमर, बी है एडमंड हर्सेल और सी है अल्फ्रेड सूट्स और डी आपका बर्जर। कौन है जो एक प्रकटन शास्त्र से संबंधित नहीं रखता है। प्रश्न नंबर 138 क्या आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर है, ब्लूमर साहब नहीं रखते हैं संबंधित, बका तीनों लोग रखते हैं, तीनों थिंकर समाजशास्त्री हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 139 पूछा, नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए कुछ अवधारणाएँ हैं, ये अवधारणा अप्रासंगिक को हटाइए। ए है नारित्व, भी है नारीता और सी है नारीवाद और डी आपका नारी बनाना। प्रश्न नंबर 139 आपके सामने प्रश्न है, इसका आंसर फटाफट बताएं सभी लोग इसका आंसर दें। और इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा आपका नारी बनाना, डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न 140 आपके सामने पूछ रहा है, भारतीय नारीवाद लेखक निम्न में से किससे प्रभावित है। ए है धार्मिक ग्रंथों से, बी है आर्थिक विचारधारा से, सी है पश्चिम की विचारधारा से और डी आपका वैश्विक विचारधारा से। किससे संबंधित है भारतीय नारीवाद लेखक निम्न में से किससे प्रभावित था। 140 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी, पश्चिम की विचारधारा से प्रभावित थे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 141 पूछा, फॉर मार्क्स पुस्तक के लेखक कौन है। फॉर मार्क्स पुस्तक के लेखक आपके कौन है, ए है हैरड फोर्ड और बी आपका कोजर और सी है जार्ज सिमेल और डी आपका लुइस अल्थुजर। फॉर मार्क्स पुस्तक के लेखक कौन है, 141 का आंसर क्या है, बिल्कुल लुइस अल्थुजर राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 142 आपके सामने पूछा, किस प्रकार के लेखकों ने नारीवादी सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है। ए है क्रांतिकारी नारीवाद, बी है उदारीवादी नारीवाद और सी है आपका समाजवादी नारीवाद, डी है प्रजातांत्रिक नारीवाद। प्रश्न नंबर 142 आपके सामने है और इसका राइट आंसर क्या है 142 का, बिल्कुल राइट आंसर है इसका ए, क्रांतिकारी नारीवाद ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये आपके सामने 143 पूछ रहा है, एंथोनी गिडिंग्स का संबंध दोहरेपन पर केंद्रित है, वह क्या है। ए है प्रतिवाद एवं पक्षपातवाद और बी आपका एजेंसी और संरचनावाद और डी है बृहद तथा सूक्ष्म और डी आपका संरचना तथा सद्विनय। 143 आपके सामने प्रश्न है, एंथोनी गिडिंग्स का संबंध दोहरेपन पर केंद्रित था, वह क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है एजेंसी और संरचना बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 144 पूछा, एंथोनी गिडिंग्स का संबंध विद्वतात्मक प्रक्रिया से है जबकि निम्न में से किसी एक का निर्माण नहीं होता है। ए व्यक्ति का, बी अभ्यास का, सी संरचना का और डी आपका चेतना का। किसी एक का निर्माण नहीं होता है, मैं नहीं का पहचान करना है किसका नहीं होता है, बिल्कुल राइट आंसर दिया है इसका ए, या सभी का आंसर हो जाएगा ए व्यक्ति द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से संबंधित है ये। और नेक्स्ट प्रश्न आपका 145 स्क्रीन पर पूछा है, संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है। ए है संरचना का निर्माण नियमों और संसाधनों से होता है, बी है समय और स्थान में संरचना स्वयं नहीं होती है, सी आपका संरचना मानव एजेंसी की गतिविधियों में होती है और डी है समाज प्रकटना में संरचना बनाने का कोई क्षमता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 145 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 145 का, बिल्कुल राइट आंसर है इसका डी, सामाजिक प्रकटना में संरचना बनाने का कोई क्षमता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 146 पूछा, मत पूछो मैं कौन हूँ और मुझे वही बने रहने के लिए मत पूछो, किसने कहा था। एंथोनी गिडिंग्स ने, बी ए जॉक डरीडा ने, सी मिशेल फूको ने और डी आपका जी बॉडी लार्ड ने। क्या है प्रश्न, मत पूछो मैं कौन हूँ और मुझे वही बने रहने के लिए मत पूछो। प्रश्न नंबर 146 का राइट आंसर क्या है, बिल्कुल आपका कहा था मिशेल फूको, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 147 मिशेल फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएँ होती हैं फिर भी एक उनमें सम्मिलित नहीं है, ए ज्ञान, बी इतिहास, सी है विचार और डी है वार्तालाप।
कौन सा राइट आंसर है? प्रश्न नंबर 147 आपके सामने प्रश्न है। 147 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका इतिहास, बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न 148 आपके सामने, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? ए कूले की, बी फ्रायड की, सी मीड की और डी मार्टन की। ये सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल मीड साहब की है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, और जिन्होंने मैं और मुझे की बात की थी। प्रश्न नंबर 149 में, जैक डेरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ये है मस्तिष्क, बी है स्व, सी है भाषा और डी है समाज। सबसे महत्वपूर्ण संबंधित क्या है महत्वपूर्ण जैक डेरिडा का विखंडन से संबंधित? बिल्कुल भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, 115 पूछा है, विखंडन का अर्थ मूल पाठ का आलोचनात्मक अध्ययन है या निम्न में से समझाया है, लेकिन इनमें से एक डेरिडा के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। ए है मूल पाठ सत्य नहीं होता है, बी है मूल पाठ को उसी रूप में स्वीकार करें और सी आपका मूल पाठ के सत्य को खारिज करें और डी है सत्य के सत्य को पाठ के सत्य को खंडित ना कर दें। प्रश्न नंबर 150 क्या राइट आंसर बताएं? 150 का बिल्कुल राइट आंसर है मूल पाठ को उसी रूप में स्वीकार करें। प्रश्न नंबर 20 इज द राइट आंसर, डेरिडा ने कहा था। और आई होप आज का ये लेक्चर समाप्त होता है, यह आपका 2014 का जो सेकंड पेपर था पूरा हो चुका है आरपीएससी का। अब हम 2016 का लेकर के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए, और जब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।